Hello friends, I am Dr. Sitkila with a new topic, and our topic is the third lecture on Dalit literature. And here is the particular writer Namdev Lakshman Dasal. Here are two lectures also on Dalit literature, one on the background and terms, slogans related to Dalit literature, and second lecture was the most important writers and their works. And this is the particular video on Namdev Lakshman Dasal, because many learners requested for that there should be a video on Namdev Lakshman Dasal. So I try to give the main facts, biography, and what was the role of Dasal as in Dalit literature. He was an activist in Dalit literature. What was his role in the activist in the Dalit literature? So please like, share and subscribe to our channel, and let us start with Namdev Lakshman Dasal. Namdev Lakshman Dasal, he was a Marathi poet. He belongs to Maharashtra, and he was a great role in Dalit activist. He was awarded by many prizes like Padam Sri, Lifetime Achievement, especially Maharashtra Awards, and he was also awarded with Sahitya Akademi Award in 2004. And in 2001, he made a presentation at the first Berlin International Literature Festival. And from the time, there was something inside in his that there should be no inferiority on the base of caste. He was a Buddhist, Dasal, and he was died of colorectal cancer at Bombay Hospital on 15 January 2014, and he was born in 1979 mein born hua, 2014 mein unki death ho gayi. Aur Dilip चित्रे जो हैं, उन्होंने उनकी जो दसल की जितनी भी जो पोइट्री थी, वो सारे की सारी जो पोइट्री थी, दैट वाज ट्रांसलेटेड बाय दिलीप चित्रे. दिलीप चित्रे ने जो ट्रांसलेट की, उनका जो सिलेक्शन, जो पोइट्री और सिलेक्शन, जो ट्रांसलेशन था, उसको उन्होंने क्या नाम दिया? द टाइटल नामदेव दसल, पोइट ऑफ द अंडरवर्ल्ड पोइम्स 1972-2006. तो ये उन्होंने, दिलीप चित्रे ने उनका जो है पोइट्री कलेक्शन का ट्रांसलेशन करके उनको ये नाम दिया. उनकी मोस्ट ऑफ जो थी मराठी पोइट था, तो उनकी मोस्ट ऑफ मराठी में ही थी, तो इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया. तो अगर हम इनकी बायोग्राफी को देखते हैं, तो नामदेव जो लक्ष्मण है, मराठी पोइट है, दलित एक्टिविस्ट है. ही वॉज बोर्न इन महाराष्ट्र. ही गोट मैनी प्राइजेज, अवार्ड्स, एंड ही वॉज डाइड ड्यू टू कैंसर. कैंसर की वजह से उनकी डेथ हुई. और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि बाय होम ट्रांसलेटेड पोइट्री कलेक्शन ऑफ लक्ष्मण दसल, किसके द्वारा ट्रांसलेट किया गया? दैट वॉज ट्रांसलेटेड बाय दिलीप चित्रे. दिलीप चित्रे ने इनका ट्रांसलेशन किया. और उस ट्रांसलेशन को, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है कि उनके जो ट्रांसलेशन किया, उनको क्या नाम दिया? उन्होंने कुछ और नाम ना देकर के नामदेव दसल, पोइट ऑफ द एंडर वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो पोइट है, उनकी पोइम्स को नाम दिया. लेट अस नो अबाउट द हाउ ही डिड, व्हाट ही डिड एज एन एक्टिविस्ट. उसने एक्टिविस्ट जो है दलित लिटरेचर में, एज एन एक्टिविस्ट उन्होंने क्या क्या किया, कौन कौन सी उनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोज हैं, कौन से उनकी पोइट्री हैं, तो ये सब हम पढ़ेंगे. कौन कौन से अवार्ड्स मिले, कौन से ईयर में मिले. एज दलित एक्टिविस्ट, दसल जो था वो मोस्ट ऑफ इंस्पायर्ड था बाई अमेरिकन ब्लैक पैंथर मूवमेंट. ब्लैक, अमेरिका में ब्लैक पैंथर मूवमेंट चल रहा था, एफ्रो अमेरिकन और ये सब को लेकर के. तो उसको देखते हुए दसल ने क्या स्टार्ट किया, दलित पैंथर मूवमेंट ऑन द बेस टू ब्लैक पैंथर मूवमेंट के बेस पे उन्होंने दलित पैंथर मूवमेंट. ब्लैक जो पैंथर मूवमेंट था वो वाइट और ब्लैक के बीच में चल रहा था. तो यहाँ पे दसल ने पाया कि क्यों ना
उसके बेस पे जैसे वहाँ पे वाइट और ब्लैक पीपल के बीच में जो डिफ्रेंसिएट ख़त्म करने के लिए इक्वल राइट के लिए वहाँ पे मूवमेंट चल रहा है, तो क्यों नहीं हम भी यहाँ पे हमारे देश में जो कास्टिज्म के बेस पे जो भेदभाव चल रहा है, जो बायसनेस है, उसको ख़त्म करने के लिए क्यों ना हम दलित पैंथर मूवमेंट स्टार्ट करें। तो ही वॉज स्टार्टेड दलित पैंथर मूवमेंट और विद फ्रेंड्स इन 1972 में इन्होंने ये जो है मूवमेंट फाउंड किया। इट वर्क फॉर द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ द फूले है, साहू है, अम्बेडकर है, इन सब के साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ में मिलकर के इन्होंने इस मोमेंट को रिकन्स्ट्रक्ट, बाद में इनको रिकन्स्ट्रक्टर करते रहे। फूले का भी, ज्योतिबा फूले का हमने पढ़ा था कि बहुत बड़ा रोल था, उन्होंने बहुत ज़्यादा गर्ल्स कॉलेज स्कूल ओपन किए पुणे वगैरह में, पूना में। साहू है अम्बेडकर का भी बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा रोल है, अंबेडकर ने काफ़ी वर्क्स भी है अंबेडकर का, और रिसर्चर ने भी अंबेडकर के वर्क के ऊपर रिसर्च किया। ही रोट कॉलम्स फॉर द मराठी डेली समाना एंड सत्यता, इनके लिए ये इन्होंने डेली जो मैगजीन्स थे और सत्यता के तो एडिटर भी रहे हैं। ये कौन रहे हैं, हमें इस यहाँ पे लक्ष्मण जो है दसल की बात कर रहे हैं। तो नामदियो जो हैं वो समाना के डेली जो मराठी ये कॉलम, इसमें इनका आश्रय आता था, इनका आर्टिकल आता था, और सत्यता के वो एडिटर रह चुके हैं। तो ये सब जो था जिसमें इन्होंने, जिसके थ्रू जो है इन्होंने दलित पैंथर मूवमेंट का बैकग्राउंड, उन्होंने इसकी नींव रखी। तो दिस इज ऑल अबाउट द व्हाट वाज द एज अ दलित एक्टिविस्ट व्हाट ही डिड, उन्होंने क्या क्या बाकी सबके साथ में मिल करके। एंड दिस इज नॉट द सफिशिएंट, एंड नामदियो ऑल हिज प्रोज वर्क ऑल हिज पोइट्री दैट रिफ्लेक्ट द दलित ते कास्टिज्म ऑल दिस थिंग, उनमें सब में किसी में वो ओल्ड मैन के थ्रू अपनी पोइम में दिखाता है, कौन एजुकेटेड है, ये सब जो है उनकी उसमें पोइट्री में। पोइट्री दरअसल की अगर हम पोइट्री की बात करें और पोइट्री के लिए वो दलित लिटरेचर्स में दलित से रिलेटेड उन्होंने लिखा, तो उसमें किस किस के से वो इंस्पायर्ड हुए। दरअसल वो ग्रेटली इंस्पायर्ड बाय द वर्क ऑफ बाबूराव बगुल। He included in his poetry many words and expression which only Dalits normally used. और उन्होंने अपने most of poetry में कैसे expression, ऐसे words का, ऐसे expression का use किया है जो normally Dalit ही use करते थे। और most of जब उन्होंने ये words, expression उन्होंने use किया, after that, high class people, upper class people, they were soaked. उन्होंने गोलफिता में उन्होंने ऐसे लैंग्वेज यूज किया, रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट उन्होंने लैंग्वेज यूज किया, जिसको देख करके अपर क्लास के जो लोग थे वो काफ़ी सोक्ड थे जब उन्होंने इस टाइप के वर्ड्स यूज किए जो दलित के लिए यूज होते थे, तो वो देख करके। तो गोलफिता जो है इन्होंने पोइट्री की जो शुरुआत है 1972 में की, नामदियो ने पोइट्री कब स्टार्ट की 1972 में, एंड फर्स्ट उनकी पोइट्री गोलफिता थी, दैट वॉज रिटन इन 1972 एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1973 में, तो ये इनकी थी। इसके अलावा जो है उसके बाद जो है मूर्ख मत्याने बाय ए फुलिस ओल्ड मैन, यहाँ पे जो बाय ए फुलिस ओल्ड मैन ये उनकी क्या रही है थीम है, ये जो है मेस थोड़ से इंस्पायर थी। तो ये था कंची, ये 1981 में, इसके अंदर जो थीम थी हाउ एजुकेटेड आर यू, खेल 1983, अमचेता इतिहासतिल, एक अप्रिहरी पत्रा, प्रिय दर्शनी, ये प्रियदर्शनी और ये सब है किसके बारे में लिखा है, फॉर्मर जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उसके बारे में लिखा 1976 में। यह स्टेट जीव रमत नहीं 1995 में, डो बगीचा 1986 में, मी मरेल सूर्यचे रतेचे सत गोदे, तुझे बोट ध्रुम मी चलाओ लो अचे, ये इसमें पूरा वो है, अगर कहीं प्रोनाउंसिएशन की कोई मिस्टेक हो तो प्लीज़ पार्डन मी। तो यहाँ पे जो है इनका पोइट्री की ये डिफरेंट डिफरेंट थी, जिसके अंदर पूरा इनका दलित जो है मोमेंट की रिफ्लेक्शन आती है। गोलपिता इनका फर्स्ट था 1972 में लिखा, 1973 में पब्लिश हुआ। इसके बाद फिर इन्होंने फुलिस ओल्ड मैन को करते हुए थीम रखते हुए, उसके बाद इन्होंने हाउ एजुकेटेड आर यू ये थीम रखते हुए इन्होंने इंदिरा गांधी, ये क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो है अबाउट
whom about this was written, किसके बारे में ये लिखे गई हैं, किसको इंडिकेट करके लिखी गई हैं, ये भी इनमें पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है। नामदेव wrote a poem about इंदिरा गांधी, which was the title of the poem, तो प्रियदर्शनी जो है इसका ये है। इसके अलावा और भी इनकी ये जो वर्क्स हैं, पोइट्री हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, गोलपिता इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, उसके बाद जो है मूर्ख मतयानी इनका है, खेल इनका है, वैसे तो सारी ही हैं, हमें नेम तो कम से कम एटलीस्ट हमें याद होनी चाहिए कि कौन कौन से पोइट्री के, गोलपिता हु रोट, गोलपिता हु रोट प्रियदर्शनी, तो ऐसे हमें नाम तो एटलीस्ट होने चाहिए कि दिस वर्ड्स रिटन बाय नामदेव, कि ये सब जो है वो वर्ड रिटन बाय नामदेव। हमारा है प्रोज वर्क, प्रोज वर्क है अंबेडकरी चालवल, ये जो है अंबेडकराइट मोमेंट से है, अंबेडकराइट मोमेंट अबाउट है ये, अंबेडकराइट मोमेंट इनका अलग वर्क नहीं है, बल्कि अंबेडकरी जो चालवल जो है 1981 में है, तो इसके अंदर अंबेडकराइट मोमेंट, अंबेडकर की जो राइट्स मोमेंट जो थे उससे रिलेटेड, दलित लिटरेचर से लेकर के, दलित मोमेंट से लेकर के उनके जो जो राइट थे, अंबेडकर ने बहुत मोस्ट ऑफ वर्क लिखा है दलित लिटरेचर को लेकर के, दलित उनकी बैकग्राउंड रही है, तो उसके बेस पे नामदेव ने ये लिखा है अंबेडकरी चालवल, जो किसके वर्क के ऊपर बेस है, अंबेडकराइट मोमेंट। तो ये हमें याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि नामदेव दरअसल ने को अंबेडकर की उसको वर्क्स को लेकर के उनके बेस के ऊपर कौन सा उसका वर्क लिखा है, अंबेडकरी चालवल है। ये भी पूछा जा सकता है अंबेडकरी चालवल इट इज अ पोइम, इट इज अ प्रोज वर्क, इस टाइप का है, तो दिस इज प्रोज वर्क। अंधेले तक, इसमें जो है सेंचुरी ऑफ ब्लाइंडनेस बताए गए, अंधल जो तक है, अंधल शतक मतलब अंधेरा जो है, अंधेरा जो शतक है, शतक मतलब 100 ईयर्स, तो ये जो किसके बारे में है, सेंचुरी ऑफ ब्लाइंडनेस, ये 1997 में कि जो पहले की जो सेंचुरी जो चल रही थी उसके बारे में बताया गया है, दैट वॉज ब्लाइंडेड फॉर द लोअर कास्ट पीपल, कि लोअर कास्ट जो लोग थे उनके लिए क्या थी, वो एक ब्लाइंडनेस थी, एक अंधेरा थी, अनअवेयरनेस थी, विदाउट एजुकेशन थी, उनको एजुकेशन नहीं दी जाती थी, विदाउट राइट्स थे, उनके कोई अधिकार नहीं थे, उनके चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था, और वो अंधेरा किस टाइप का था, विदाउट एजुकेशन, विदाउट नॉलेज। हद की हद वाला, उजैसी काली दुनिया, सरव कही समस हतीस हती, बुद्ध धर्म कही सहेस प्रश्ना, तो ये इनके थे प्रोज वर्क। तो ये हमें एटलीस्ट नेम तो याद होने चाहिए, रिमेम्बर होने चाहिए, अंबेडकरी चालवल है, अंधेश तक है, ये फर्स्ट जो टू है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नाम इनका याद रखना, बाकी इसको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही याद रखना है अंबेडकरी जो चालवल है वो किसके बारे में है, दैट वॉज अबाउट अंबेडकराइट मोमेंट। अंबेडकर राइट मोमेंट से मतलब है कि अंबेडकर ने अपने जो भी राइट किया, उसका जो भी मोमेंट्स उसने चलाए, दैट वॉज बेस्ड ऑन दैट, है ना। और ये अंधेरी तक जो है सेंचुरी ऑफ ब्लाइंडनेस के बारे में। अवार्ड्स, कौन कौन से अवार्ड्स मिले, महाराष्ट्र स्टेट अवार्ड फॉर लिटरेचर काफ़ी बार इनको मिला, 1982 में मिला, 74 में मिला, तो 3-4 टाइम्स इनको महाराष्ट्र स्टेट अवार्ड फॉर लिटरेचर किसके लिए मिला, फॉर लिटरेचर के लिए। सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड इनको गोलपिता, गोलपिता क्या है, इनकी पोईम है, जो सबसे पहले इनकी जो पोईम है इसके अंदर इन्होंने रेड जो है डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेज का इन्होंने यूज किया है, दलित के जो भी दलित यूज करते थे वर्ड्स वो उन्होंने दलित की लैंग्वेज इसके अंदर यूज की है गोलपिता में। इट वॉज रिटन इन 1972, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1973, कब पब्लिश हुई 1973, एंड आफ्टर दैट अवार्ड इनको मिला, प्राइज इनको मिला 1974 में, कौन सा, सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड फॉर गोलपिता पोईम। पद्मश्री 1999 में मिला फॉर व्हाट, फॉर लिटरेचर, पद्मश्री लिटरेचर के लिए मिला 1999 में। साहित्य अकादमी गोल्डन लाइफ टाइम अचीवमेंट इनको मिला 2004 में। तो दीज वर अवार्ड्स गोट बाय लक्ष्मण दासल।
महाराष्ट्र स्टेट अवार्ड, सोवेतलैंड नेहरू अवार्ड, पद्मश्री, हमें बाकी सब जो है लिटरेचर के लिए मिले, पद्मश्री है, महाराष्ट्र स्टेट है, साहित्य अकादमी है, गोल्डन लाइफ अचीवमेंट है, टाइम अचीवमेंट है, एक सोवेतलैंड नेहरू जो अवार्ड है वो गोलभिता इनकी जो पोइम है उसके लिए मिला, 1974 में मिला, और इसमें इन्होंने दलित की लैंग्वेज यूज की है। तो दीज आर द अवार्ड्स। थैंक्स अ लॉट, मे यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट, बी कनेक्टेड एंड बी ए गुड लर्नर। थैंक्स अ लॉट।